हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये बैरेट केप। ये देखें, इस तरह से पहनी जाती है और ये इसका क्राउन शेप है और ये देखें इस तरह से ये पहनी जाएगी। ये आज जो मैं सिखा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा आसान मेथड है। बैरेट बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कोशिश करके एडल्ट साइज़ के लिए दूसरे मेथड में आपको सिखाऊंगी। उसके लिए वीडियो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए, वो दूसरा मेथड होगा। लेकिन ये जो है वो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली मेथड है। मैंने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है कि बिगनर्स आराम से इसको फॉलो कर सकें। अभी बेबी के लिए बनाना सिखा रही हूँ मैं, लेकिन आप यही मेथड फॉलो करके किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। मैं रो बाय रो एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी चीज़ मिस ना कीजिएगा। डिटेल में बताऊंगी कि बड़ी छोटी साइज़ के लिए किस तरह से आप बनाएं। सबसे पहले हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे। इस साइज़ के लिए जो मैं बना रही हूँ 68 स्टिचेस हम कास्ट ऑन करेंगे। यू कैन कास्ट ऑन विथ एनी मेथड यू नो। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस मेथड यू कैन सर्च हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेज बाय क्लीनिट्स। आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल सकते हैं जो आपको आता हो। अगर ये वाला इस्तेमाल करना है तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट ऑन बाय क्लीन निट्स। 68 स्टिचेस सिलाई पे डाल लें। सिलाई पे फंदे डाल लेने के बाद आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस वी विल निट 1 x 1 रिब बॉर्डर। जितनी भी फिर आपको लेंथ चाहिए बस एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर आप बुनते जाएंगे, जितनी भी बॉर्डर की आपको लेंथ चाहिए। You will keep repeating 1 x 1 rib order for your desired length for the border. अब मैं आपको बुन के दिखाती हूँ बिगनर के लिए। Row 1 पहली सिलाई, after casting on stitches, row 1 knit 1 purl 1 knit 1 purl 1। knit मतलब सीधा फंदा, purl मतलब उल्टा फंदा। ये देखें, पहले सीधा फंदा फिर उल्टा फंदा, एक सीधा एक उल्टा करके पूरी सिलाई बुन लेंगे। एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, इसी तरह आप सारी सिलाई बुनेंगे। जितने भी फंदे हैं आपके पास, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे। knit 1 purl 1 knit 1 purl 1 ऑल स्टिचेस। रो वन यहाँ पे हमारी पूरी हो गई है। रो वन कंप्लीटेड। नाउ कीप रिपीटिंग दिस सेम रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर। यही एक सिलाई आपने रिपीट करते जाना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाऊं जस्ट बिगनर को। ये देखें, एक सीधा एक उल्टा, मतलब दोनों तरफ से, राइट साइड से रॉन्ग साइड से एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर इसी तरह बनते जाना है। एक सीधा मतलब एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम फंदा इस तरह से बुन रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा 1 x 1 रिब। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस रो फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर। यही सिलाई आप रिपीट करते जाएं बॉर्डर के लिए, जितना बड़ा रखना चाहें, छोटा रखना चाहें, आपकी मर्जी है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कितना बॉर्डर है मेरे पास। टोपी के लिए हमने बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है, एक सीधे एक उल्टे वाला। अब हम नाप के देखें लेंथ क्या है। 1 इंच मैंने इसकी यहाँ पे लेंथ रखी है, बट आप इसकी लेंथ बड़ी छोटी करें अपनी मर्जी से। देखें, तरीका यही फॉलो करके बड़े बच्चे के लिए भी आप टोपी बना सकते हैं, यही तरीके से एडल्ट के लिए भी बना सकते हैं, साइज़ अपने हिसाब से रखे। तो आपने जितने भी जो है वो रखनी है बॉर्डर की लेंथ, आप अपने हिसाब से रखें कि किस साइज़ के लिए बना रहे हैं। वी हैव 1 इंच लेंथ फॉर द बॉर्डर, फॉर द केप बॉर्डर, एंड यू कैन कीप द लेंथ फॉर द बॉर्डर अकॉर्डिंग टू योर ओन मेजरमेंट्स। नाउ आफ्टर निटिंग बॉर्डर, बॉर्डर बुन लेने के बाद हम रो 1 काउंट करेंगे। रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर, पहली सिलाई बॉर्डर बुन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे। ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ये मैंने सिखाई हुई है सेपरेटली, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ब्रियोश स्टिच से कहते हैं, हम ये फंदा बुनेंगे। वी विल निट दिस स्टिच बट वील डू knit 1 below purl 1, then knit 1 below, फंदे को नीचे से यहाँ से बुनेंगे। वैसे हम यूं बुनते हैं ना, पर यहाँ से। ये स्टिच पैटर्न मैंने सेपरेट सिखाया हुआ है, आप इसकी वीडियो चाहे तो देख लीजिएगा अगर बिगिनर हैं तो, डिटेल में। फिर एक फंदा उल्टा, knit मतलब सीधा फंदा, purl मतलब उल्टा फंदा। पर हम क्या कर रहे हैं, जो सीधा फंदा है उसको हम नीचे से बुन रहे हैं, यहाँ से
और जो उल्टा है उसको उल्टा ही बुन रहे हैं। फिर से एक दफा बता देती हूँ, फिर पूरी सिलाई आपने इसी तरह बुननी है। यू विल कीप रिपीटिंग निट वन बिलो पर्ल वन, निट वन बिलो पर्ल वन ऑल स्टिचेस। आपने ये एक फंदा इस तरह से बुनना है फंदे के नीचे में से और एक फंदा उल्टा, इसी तरह सारे फंदे बुन लेंगे। निट ऑल स्टिचेस लाइक दिस, निट वन, निट वन बिलो देन पर्ल वन, निट वन बिलो देन पर्ल वन, निट वन बिलो देन पर्ल वन, सेम दिस वे। यही रिपीट करते जाएं आप। हमारी यहाँ पे रो वन कंप्लीट होने वाली है, ये देखें। सिर्फ बिगनर को दिखाने के लिए ये मैं बुन के बता रही हूँ। और फिर ये देखें पर्ल वन, रो वन कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। नाउ कीप रिपीटिंग रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द कैप। यही एक सिलाई आपने रिपीट करते जाना है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए टोपी के लिए। If you are a beginner and you want to practice this stitch, you can search how to knit a brioche stitch by Clean Knits. मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये वाली रो डिटेल से बताऊं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप ये इसकी वीडियो मेरी वीडियोज़ में होगी कि आपने ब्रियोश स्टिच कैसे बुनना है। तो अभी मैं फिर से बिगिनर के लिए एक दफ़ा रिपीट करके दिखाती हूँ। आई एम रिपीटिंग दिस वंस फॉर जस्ट to just help beginners. What we will do, we will repeat the same row because this is the one row repeat stitch pattern. What we will do, this is knit stitch, we will knit it but stitch below this stitch, same as row one, and pull it tightly little bit. थोड़ा सा tight करना है आपने फंदे को, फंदे के नीचे से बुनना है जैसे हमने पहली सिलाई पे किया है। और दूसरा फंदा आपने क्या करना है, धागा आगे करके उल्टा बुनना है। अब इसी तरह आप रिपीट करते जाएंगे, कीप रिपीटिंग दिस वे, नेट वन बिलो लाइक दिस, एक फंदा आपने इसके नीचे से बुनना है और एक फिर उल्टा बुन लेना है। मतलब जो फंदा आपको उल्टा मिला है वो उल्टा ही बुनेंगे, लेकिन जो सीधा आपको दिखेगा ना, ये शेप सीधे का है और ये उल्टे का है। ये बिगनर को मैं समझा रही हूँ। तो जब आपको सीधा शेप मिल रहा होगा तो आपने नीचे से यहाँ पे यहाँ से जाके इसके नीचे से बुन लेना है इसको। और जो आपको देखें उल्टे का शेप दिखाएगा ना, ये देखें इस तरह का शेप, आपने उसको उल्टा बुन लेना है। इस चीज़ से आपको आसानी होगी कि अगर आप ज़्यादा कम फंदे भी डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैसे मैंने क्या करना है। सी वी विल निट द रो टू सेम एज रो वन, दूसरी सिलाई भी पहली सिलाई की तरह ही बुन लेंगे, एंड एवरी रो वी विल निट सेम एज रो वन। अब यही रिपीट करते जाएं सिलाई जैसे पहली हमने बुनी और अभी दूसरी मैंने थोड़ी आपको बताई। निट वन बिलो पर्ल वन, एक फंदे के नीचे से फंदा जो है वो हम बुनेंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और एक उल्टा। बस यही रिपीट करते जाएं, फिर जितनी भी आपको लेंथ चाहिए सर पर नाप के भी देख सकते हैं आप, 5.5 inches तक, 5.5 inches लेंथ, 5.5 inches लेंथ, 5.5 inches। अब ये देखें, ये मैंने इसको खींचा नहीं है, ये अगर खींचूंगी तो ये बहुत, ये देखें बहुत स्ट्रेची है। तो मैं आपको विड्थ थोड़ी बगैर खींचे बता देती हूँ। विदाउट स्ट्रेचिंग 13 inches, 13 inches खींचे बगैर, बहुत स्ट्रेची है ये। ये स्टिची ऐसा है, ये डिज़ाइन ऐसी है कि ये खींचता है बहुत। लेंथ पूरी कर लेने के बाद राइट साइड से, ये देखें ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, ये बॉर्डर है ना, ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो राइट साइड से आफ्टर निटिंग फॉर 5.5 inches और फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर द कैप, आपकी मर्जी की साइज़ के हिसाब से लंबाई कर लें या 5.5 inches बुन लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, रो वन और नेक्स्ट रो, आप इसे जो भी बोलें, निट टू स्टिचेस टुगेदर, दो फंदे साथ में बुनते जाएंगे आखिरी फंदे तक। Knit two stitches together
दो फंदों का एक करते जाएंगे। ये देखें दो फंदे, उनको सीधा बुनेंगे पर मिला के, दो फंदे उनको सीधा बुनेंगे पर मिला के। इसी तरह सारे फंदे बंद कर लें, निट टू स्टिचेस टुगेदर टिल हेयर, दो फंदों का एक करते जाएं, सारी सिलाई इसी तरह बुन लें। दो फंदे साथ में बुन लिए, पूरी सिलाई रो वन लेंथ बुन लेने के बाद शेप दे रहे हैं थोड़ा सा। अब रो टू दूसरी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखें पर्ल मतलब उल्टा फंदा, नेट मतलब सीधा फंदा, तो हम अब पर्ल उल्टे फंदे बुन लेंगे सारे इस तरह से। रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। सेकेंड रो पूरी हो गई है, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए रॉन्ग साइड से। थर्ड रो सेम एज रो वन, पहली सिलाई की तरह ही होगी, तीसरी सिलाई भी दो फंदों का एक करते जाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर, निट टू स्टिचेस टुगेदर ऑल ऑन ऑल स्टिचेस। इसी तरह सारे फंदे बुन लें, दो फंदों का एक करते जाएं। थर्ड रो कंप्लीटेड, तीसरी सिलाई पूरी हो गई है, चौथी सिलाई सेम एज रो टू, फोर्थ रो सेम एज रो टू, चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस ये इस तरह से पर्ल। रो फोर, फोर्थ रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई पूरी हो गई है, पांचवी सिलाई फिर से उसी तरह, फिफ्थ रो सेम एज रो वन, पांचवी सिलाई उसी तरह से हम दो फंदों का एक करते जाएंगे। देखें अगर आप बड़ी साइज बना रहे हैं ना, बड़े बच्चे के लिए या बड़ी साइज बना रहे हैं, तो आपने आपके पास जितने भी फंदे होंगे वो इसी तरह से आप करते जाएंगे। बस यही दो सिलाइयाँ रिपीट करते जाएंगे, पहली और दूसरी, जब तक आपके पास थोड़े से फंदे नहीं बच जाते। कीप, यू नीड टू कीप रिपीटिंग रो वन एंड टू, रो वन एंड टू टिल यू हैव फ्यू स्टिचेस ऑन द नीडल। अब देखें यहाँ पे दो था, दो दो करके बंद किए हैं ना यहाँ पे हमने, तो ये एक बचेगा ना अगर आपके पास, क्योंकि सबके फंदे मुख्तलिफ होते हैं, तो आपने उसको इसी तरह बुन लेना है। छठी सिलाई सेम एज टू, रो टू पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। सिक्स्थ रो छठी सिलाई, छठी सिलाई पूरी हो गई है यहाँ पे, ये देखिए इसका इस तरह से शेप आ रहा है, ये हमारी टोपी इस तरह होगी। तो छठी सिलाई अभी, छठी सिलाई पूरी हो गई है, सातवीं सिलाई पे हमने क्या करना है, निट टू टुगेदर कर लेना है पहली सिलाई की तरह। सेवेंथ रो सेम एज रो वन, निट टू स्टिचेस टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस, सारे फंदों पे आप दो का एक, दो का एक, दो फंदों का एक करते जाएंगे, और ये एक बचा है उसको इसी तरह बुनेंगे। अब हमारे पास कितने फंदे हैं, दो चार पाँच, इस साइज़ के हिसाब से ठीक हैं पांच फंदे। अगर बड़ी साइज़ है ना, तो अगर आठ नौ भी बच रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बड़ी साइज़ है, तो ये छोटी साइज़ है, पर आप देखेंगे कि आपके पास थोड़े से फंदे बच जाएं जिसको आप सिर्फ बंद कर सकें। धागा काट लेंगे, धागा इस तरह काटेंगे कि हम साइड भी सी सकें, इतना धागा होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ इस तरह से करके इसका
डबल काटना है हमने, क्योंकि साइड सीनी होती है और धागा लेता है जब साइड सीते हैं हम। अब सुई से यार्न निडल लेंगे आप, टेपेस्ट्री निडल, और बचे हुए जो यहाँ पे आपके पास फंदे हैं उनको बंद करेंगे आप। अब आपकी मर्जी है कि आप इधर से फंदे डाल लें या इधर से डाल लें आपकी टेपेस्ट्री निडल। आपकी मर्जी कि यहाँ से निडल डाल के बंद करें या यहाँ से, इट्स टोटली अप टू यू दैट यू वांट टू पुट निडल फ्रॉम दिस साइड एंड क्लोज ऑल द स्टिचेस और फ्रॉम दिस साइड, इट्स टोटली योर विश। आप निडल निकाल लें और ये देखें ये इस तरह से फंदों को गिरने नहीं देना आपने, ख्याल से करना है। बिगनर हैं तो आप सिलाई को रहने दें, उसके साथ साथ कर लें। अब एक दफ़ा डाला है आपने धागा, इस तरह से गुजारा है, सही है। एक दफ़ा और डालेंगे हम इन्हीं पांच फंदों में से। अब पहले इसको खींचेंगे, नाउ फर्स्ट पुल दिस वन एंड देन वी विल पुल दिस। इसको टाइट करें पहले, अब इसको टाइट कर लें। दो दफ़ा हमने इसको इसलिए बंद किया ताकि सही तरह से क्लोज हो जाए। अब कोई भी मेथड आपको आता हो साइड सी लें, यू कैन स्टिच दिस स्किप विथ एनी मेथड यू नो। आप इसको उल्टा करके यूं यूं भी बंद कर सकते हैं साइडों से, या जो हमेशा मैं मेथड इस्तेमाल करती हूँ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि आपने यहाँ से भी फंदे लेग्स उठाते जाना है, यहाँ से भी लेग्स उठाते जाना है और क्लोज कर देना है। ये देखें ये इस तरह से क्लोज करेंगे हम इसको, ये यूं करके। दो दो लेग्स ले लें आपकी मर्जी है, एक एक लें आपकी मर्जी है, जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह से करें, कोई रूल नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जितने भी पैटर्न्स हैं वो मैं बिगनर फ्रेंडली रखूँ, बिगनर्स के लिए आसान हो, ताकि वो थोड़ा थोड़ा मिलाने के बाद आपने खींचते जाना है ताकि धागा फंसे ना, क्योंकि धागा अटक सकता है बीच में और फिर वहाँ पे टूट सकता है। अब इसी तरह से सारे मिलाते जाएं साइड्स, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, इसी तरह से बस अब मिला दें आप सारे फंदों को। और अगर आपको भी कोई तरीका आता हो तो आप अपने हिसाब से भी इसको बंद कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी साइड सी के कंप्लीट कर ली है। आप इसको वेव इन कर देंगे बैक साइड पे, यहाँ पे किसी तरीके से भी आप वेव इन कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मेथड टू वेव इन, कोई भी आसान तरीका जो भी आपको आता हो आप इस्तेमाल कर लें। मैंने भी बहुत सारे सिखाए हुए हैं। अब हमारी टोपी यहाँ पे तैयार हो गई है वेव इन लेटर। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी साइड मिलाई है और ये इतनी अच्छी तरीके से ये मिल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से हमने इसकी साइड सी, और ये बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट होता है, अंदर से भी फील नहीं होता क्योंकि अंदर से भी ये अंदर चला जाता है। ये स्टिच पैटर्न की खासियत ये है, इतना फ्लफी है ये। और ये देखें इस तरह से इसका क्राउन बनेगा, क्राउन देखें इस तरह से इसका ये डिज़ाइन बनता है। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए बनाएं और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे तस्वीरें ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ क्लीनिट्स के नाम से है, हमारी पैरट कैप रेडी हो गई है, बहुत ही क्यूट। और ये बना के बेबी को पहना के या जिसके लिए भी आप बना रही हैं उसको पहना के मेरे साथ तस्वीरें शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप तस्वीरें शेयर करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे।
होप सो ये आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारे वीडियोज़ रिसीव हो जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।